गाइस आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। जो आज हमारे पास गाड़ी है वो है टाटा नेक्सोन ईवी एक्सजेड प्लस, टॉप मॉडल है ये। तो अभी ये जो हमारे पास मैक्स मॉडल नया आया है उसका, जिसमें कि ये रेंज बढ़ा दी है, बीएचपी बढ़ गए हैं और जो आपका बैटरी है वो 30 किलोवाट से 40 किलोवाट की कैपेसिटी कर दी है। एंड ये है उसकी कुछ प्रोफाइल ऐसी, इसकी हो गई है रियर प्रोफाइल। ओवरऑल गाड़ी अगर बात करें तो डायमेंशन वाइज तो सब चीज़ इसमें सेम ही है, बट द डिफरेंस इज जो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा शायद इसमें पीछे आपको एलॉय व्हील्स आ गए हैं, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में भी। एंड डायमेंशन सेम है, फीचर्स थोड़े ऐड ऑन करें हैं और आपका इंजन स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ बीएचपी और टॉर्क पावर्स बढ़ाई हैं और इसमें चार्जिंग कैपेसिटी और आपका बैटरी किलोवाट थोड़ी सी बढ़ा दी है, जिससे कि थोड़ा सा इसमें आपको रेंज अच्छी खासी मिल जाएगी गाड़ी की। ये हो गई इसकी रियर की प्रोफाइल लाइट ब्लू कलर में, वही आपका इलेक्ट्रिक हाईलाइट है गाड़ी की, ठीक है। नीचे भी आपको ऐसे इसके हाइलाइट्स मिल जाएंगे। ये ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल। बाकी इस गाड़ी का मैंने कर रखा है डिटेल रिव्यू कवर, आप वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, सब वहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जो इस गाड़ी में नया है आज सिर्फ हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि क्या नए फीचर इसमें ऐड ऑन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी की आपको बिल्कुल सेम वैसी मिलेगी जैसे पहले ही आपकी नेक्सोन में आती है और बाकी सारी टाटा कंपनीज में ही, जो भी इनकी की है, टाटा सफारी हो, टाटा पंच हो, इलेक्ट्रिक हो, ये वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल हो आपका नेक्सोन का, तो सब में ही सेम आपको चाबी ऐसे मिलती है लॉक अनलॉक, बूट स्पेस ओपन करने के लिए और हेडलैम्प्स ऑन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, DRL सब सेम, फॉग लैम्प भी आपको येलो कलर में मिलेगा, आपके ग्रिल्स और आपका नीचे का सब विड्थ वाइज डायमेंशन वाइज सब बिल्कुल पुरानी जैसी है। सबसे अच्छा मुझे इसमें क्या लगता है कि इसमें जो इसमें जो वाइपर्स मिलते हैं वो एरो ट्विन में मिलते हैं, जो बहुत अच्छा वाइप करते हैं, तो क्वालिटी इनकी ए क्लास है। प्लस आपको जो यहाँ पे टायर सेशन मिलता है 16 इंचिस का ही मिलता है, 215 mm वेट इसकी मिल जाएगी आपको। फ्रंट का डिस्क ब्रेक आ गया एंड इसमें अब आपको रियर का भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। प्लस डुअल टोन कलर है ये, डुअल टोन में देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ ग्रेइश एंड प्लस यहाँ आपको डार्क ब्लू में मिल जाएगा, प्लस आपको लाइट ब्लू की यहाँ बेल्ट लाइन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईलाइट की। आपको जो ORVM मिल जाएगा वो पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा प्लस विद अ टर्न इंडिकेटर्स। बाकी गाड़ी की सिर्फ आज इसमें हाईलाइट जो नई चीज़ें वही कवर करेंगे, ओवरऑल डायमेंशंस में बता चुका हूँ, आप वहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से गाड़ी को ओवरऑल चेकआउट कर सकते हैं आप। प्लस ये हो गए इसके पीछे की कुछ रियर प्रोफाइल ऐसी, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी वही सब चीज़ें, प्लस यहाँ पे जो टाटा हाईलाइट करता है यहाँ पे एक एनिमल्स को हाईलाइट करता है, ठीक है, सेव एनिमल्स का शायद ये इसमें हर गाड़ी में आता है, इसमें टाटा की गाड़ियों में। प्लस शार्फिन एंटीना आपको मिल जाता है एंड वही सब चीज़ें अभी आपको हैं इसमें। बस जो इसमें नया है, एक तो आपको यहाँ पे बाहर से एक्सटीरियर में आपको यहाँ डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, ऊपर हो गई है रूफ रिल्स। बाकी अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या नई नई चीज़ें दी गई हैं। तो भाई अच्छा खासा डोर ओपनिंग है, बहुत वाइड हो जाता है, इजीली आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं ड्राइवर सीट को। तो गाइस ये है इसका मैक्स का आप इंटीरियर देख सकते हैं, सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे फीचर्स हैं अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें। यहाँ पर आपको ये ऑटो मिली है, ऑटो ही मिलती है वैसे तो, बाकी थोड़ी गर्मी है, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। क्या बात, कितना बढ़िया तरीके से जो गाड़ी की लुक आ रही है इंटीरियर की, इसकी सेंटर कंसोल की बहुत तकड़ी आ रही है भाई। बिल्कुल सेम आपको इंटीरियर वैसा ही मिल जाएगा जैसा कि आपको टाटा नेक्सोन में नॉर्मल आता था। इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे सिर्फ इस गाड़ी इसमें जो आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी, जो आपका सबसे पहले तो गेयर बॉक्स है वो एक टेरन, इसमें मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको मिल रहा है लैंड रोवर से मुझे ये इंस्पायर्ड लग रहा है, क्योंकि इसकी आप लुक देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त आ रही है गाड़ी की, जो अलग से ही सेंटर कंसोल को इतना प्रीमियम लुक दे रहा है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्रीमियम कह रहा हूँ पार्किंग हो गया, यहाँ मिल जाता है आपको रिवर्स मोड, आपको ये अगर चेंज करना है तो आपको ब्रेक पुश करना पड़ेगा देन ये चीज़ें चेंज होंगी रिवर्स मोड, ठीक है। यहाँ आपके पीछे मिल जाएगा रिवर्स का पार्किंग कैमरा, क्वालिटी अच्छी है पार्किंग कैमरे की क्वालिटी, जो विजन है अच्छा आ रहा है। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको न्यूट्रल एंड देन ड्राइविंग मोड। अब इसके अंदर जो और भी चीज़ें जो नहीं आई हैं वो आई हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक आ गया इसमें और ऑटो होल्ड का कंट्रोल मिल गया आपको इसमें। ऑटो होल्ड लाइक कहीं भी आप हिल एरिया में खड़े हैं तो ऑटो होल्ड आपको सिर्फ ये प्रेस करना है एंड उसके बाद आपको सिर्फ अपना ब्रेक पुश करना है और एक्सेलरेट करना है, अपने आप ऑटोमेटिकली ही एक्टिव और इनएक्टिव होता रहेगा। बाकी इसमें जो आपको मिल जाएगा ये एक्स्ट्रा जो फीचर मिल जाएगा रीजन का मिल जाएगा, रीजन यहाँ पे आपको तीन इसमें
रीजन मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखिए, सबसे अगर यहाँ पे आपको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ हो चुका है, देख सकते हैं आप ये। एंड इसको आप इंक्रीज करेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3 तक मैक्सिमम अपने इस रीजन को आप सेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, ठीक है, देखिए जैसे चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई है। प्लस पूरा का पूरा जो आपको सेंटर कंसोल है पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है, बहुत बढ़िया भाई। एंड ये जो मिल जाती है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, फ्रंट 2 सीट आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट, जैसे मैंने अभी ऑन कर रखी है, तो बहुत अच्छी इनमें एयर पास हो रही है, ठीक है। एंड बात करूँ इसके सीटिंग अपहोल्स्ट्री की, तो बहुत अच्छी है, जैसे नेक्सॉन की ऐसी इसकी है, बस इसमें आपको वेंटिलेशन सीट्स मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात भाई ये कि लोगों को आजकल जो डिमांड ज़्यादा है वो है सनरूफ की, तो इसमें आपको सनरूफ भी दे दी गई है, ठीक है, सनरूफ भी मिल जाएगी इस गाड़ी में आपको, बहुत बढ़िया फीचर है ये, तो आजकल बहुत मतलब कॉमन है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो सनरूफ भी दिया है इस गाड़ी में आपको। ये आपका हो गया ऑटो IRVM, ठीक है, डे नाइट विजन के साथ। इसमें एक चीज़ और, जैसे कि इसमें भी आपके टायर मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपकी थीम चेंज होती है, प्लस आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी थीम चेंज हो जाती है। लाइक जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर करा सिटी मोड एक्टिवेटेड, देन इको इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड आपको सिर्फ यहाँ पे ड्राइविंग पे करना है। स्पोर्ट मोड के लिए जैसे कि आप ऑटोमेटिक में जो गियर लीवर होते हैं तो उनको ऐसे शिफ्ट या यहाँ की तरफ शिफ्ट करते थे, बस यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड के लिए यहाँ क्लिक करना है, इसको पुश करना है, स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आपको इसमें अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाएगा जिससे कि आपको पिकअप बहुत अच्छा मिल जाएगा गाड़ी का। ये आपका आर्मरेस्ट, ये स्लाइडिंग नहीं है इसमें, आपको यहाँ से ये यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाएगा आपको ये। एंड ये हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ ऐसा, ठीक है, 143 की रेंज है, 76% अभी बैटरी रिमेनिंग है, वही जो आपकी MID स्क्रीन सब चीज़ें बताती है, और ओवरऑल जो इसमें मैंने फंक्शन बताए थे वो सब कवर अप है, आप वहाँ से वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। जो नई चीज़ें थी वो यही हाईलाइट थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एंड ये हो गया आपका 7 inches का यही इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड रिवर्स का, इसमें आपको पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं अभी तक के। अभी पीछे कोई खड़ा है इसलिए ज़्यादा बीप आ रही है साउंड। प्लस बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी आपको हार्ड टच मिल जाता है, ठीक है। एंड आपका जो यहाँ की जो आपका ये स्टीयरिंग है ये थोड़ा सॉफ्ट टच मिल जाएगा लेदर फिनिश के साथ, एंड सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा जिससे कि थोड़ा सा आपका ड्राइविंग कम्फर्ट जो है थोड़ा सा ईजी हो पाए। तो प्लस गाइज इसकी अब हम करते हैं ब्रेक यहाँ से, हमने अब इसके हम करते हैं गाइज, अब इसकी हम करते हैं ड्राइविंग की बात, ड्राइविंग कैसी है गाड़ी की, कैसा पिकअप है इसकी। अभी मैं इंजन स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, पर उससे पहले हम करते हैं ड्राइविंग की इसमें बात कि इसमें आपको कैसा पिकअप, कोई चलने में कैसी है, बॉडी रोल है या नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको इसमें अभी कवर करता हूँ। अभी तो पहले इसकी मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, जो इसमें आपको BHP मिलेगी, BHP आपको जो मिलेगी उसमें, ये आपको मैं एक बार टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। तो पहले तो इसको हम यहाँ डाल लेते हैं स्पोर्ट मोड में, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन जो पिकअप बढ़ता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेट्स सी, तो स्पोर्ट मोड में है, बाकी मैं इसका आपको पिकअप बताता हूँ। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पिकअप मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाया, ठीक है, बट आप देख ही सकते हैं किस लेवल पे इसकी जो स्पीड मीटर था किस लेवल से बढ़ रहा था। जो इसको क्लेम किया जा रहा है वो ये क्लेम किया जा रहा है कि 0 to 9 seconds में ये 100 की स्पीड पकड़ लेगी, इट मीन्स कि तो फॉर्चुनर से भी तेज हुई, क्रेटा से भी तेज हुई, XUV से भी तेज हुई, ठीक है। तो यार एक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इन सब चीज़ों में थोड़ा अच्छे खासे फीचर भी दे रही है, और टर्निंग रेडियस तो यार बहुत ज़बरदस्त का है, 5.1 का टर्निंग रेडियस है, एक ही बारी में गाड़ी कट हो चुकी है, ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। लेट्स गो, भाई लाजवाब एकदम, मतलब क्या ही कहना, बहुत अच्छा इसमें एक्सेलरेशन, बहुत अच्छा पिकअप मिला हुआ है गाड़ी में, ठीक है। बहुत मैं मतलब ये चीज़ आपको बताऊंगा इसमें कि इतना रेंज बढ़ाने के बाद भी, एंड मुझे लगा था कि थोड़ा सा पिकअप कम किया जाएगा, थोड़ा सा पावर इसलिए कम की जाएगी जिससे कि थोड़ी रेंज बढ़ जाए, बट उल्टा ही हुआ है, तो पुरानी गाड़ी से बहुत ज़्यादा पिकअप इसमें आपको मिल गया है। एंड अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरी इसलिए अभी आपको स्पीड इसलिए चेक नहीं करवाई क्योंकि यार थोड़ा सा अभी रोड ट्रैफिक ज़्यादा है, बस इसका आपको मैंने एक चीज़ दिखाई है कि पिकअप कैसा है, पिकअप आप एक्सेलरेशन देख सकते हैं 20, 40, 60 कैसे स्पीड एकदम कवर कर रही थी गाड़ी। तो पिकअप तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, टर्निंग रेडियस भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, 5.1 का इसका टर्निंग रेडियस था।
बॉडी रोल, जैसे कि अभी आपने फील किया होगा कि मैंने एक पिकअप लेने के बाद एक स्टेयरिंग ऐसा राइट की तरफ थोड़ा जिगजैग वे में चलाई थी, तो बॉडी रोल भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा बॉडी रोल आपको फील होगा, ठीक है। ओवरऑल गाड़ी अभी इसका तो मैं आपको और ड्राइव रिव्यू पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, बट आज एक तो इसमें स्पेसिफिकेशन था और कुछ मैंने ड्राइविंग आपको इसमें बताई है कि इसका पिकअप एंड कटिंग कैसी है, प्लस आपको इसमें कंफर्टेबल कैसा मिलेगा। एंड कंफर्टेबल तो मैं बहुत कंफर्टेबल होकर मैंने गाड़ी भी चलाई है, बॉडी रोल कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जैसी मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई है तो फॉर्च्यूनर से भी तेज पिकअप है इस गाड़ी का। अब इसकी बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो गाइस ये है इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी, ठीक है। जो पहले इसमें आता था वो आपको आता था 130 bhp का, अब जो इसके bhp है 141.5 bhp कर दिया है, प्लस जो इसमें आपको पहले 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, अब इसमें मिलता है आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें मिल जाएगा। जो बैटरी कैपेसिटी है पहले वो 30 किलोवाट की थी, अब वो 40.5 किलोवाट की कर दी है। जो इसकी रेंज थी अब जो क्लेम होती है वो होती है 437 किलोमीटर की ओवरऑल, ठीक है, बट कहीं ना कहीं है आपको जो पहले 250 से 300 मिली थी, अब वो 300 प्लस या 350 तक तो मिली जाएगी। अगर आप इसको और हाईवे पर चलाएंगे अच्छी स्पीड के साथ तो मे बी 350 प्लस भी ये आपको रेंज दे दे ओवरऑल गाड़ी। बाकी इसमें आपको वेंटिलेशन के साथ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक यहाँ पर सीट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टिंग वाली आपको वहाँ मिल जाएगी आपके ड्राइवर सीट पर। पैसेंजर सीट में आपको सिर्फ इंक्लाइन और रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा। हाइट का मैं आपको एक बार वहाँ पर दिखाता हूँ, हाइट एडजस्टमेंट का आपको यहाँ ड्राइविंग सीट पे ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस अब बात की जाए इसके प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज मैं आपको बता दूँ, ये था इसका टॉप मॉडल, मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखा दूँ, वहाँ से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। एक्स शोरूम प्राइस इसका मैं अपने स्क्रीन पर सारी डिटेल डाल दूँगा। और एक बार मैं इसका आपको बूट स्पेस भी दिखाता हूँ, तो 350 लीटर का तो इसमें बूट स्पेस आता ही है, आपको इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। प्लस एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये आपका हो गया इसका चार्जिंग का ऑप्शन, चार्जिंग पॉइंट इसमें आपको मिल जाएगा। इस गाड़ी में एक चीज़ और थी कि इसका अगर आपको फास्ट चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन आता, अगर आप फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन लेंगे तो इसमें आपको 50 से 60 हज़ार गाड़ी के और ऊपर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा, कम टाइम के अंदर गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो गाइज ये था आज का रिव्यू, आज थोड़ी सी मेरी आँख भी स्वेल हो रही है, शायद रात भर मैं सोया भी नहीं। तो आज का ये था रिव्यू हमारी नेक्सॉन ईवी मैक्स का, आई होप आपको रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा। इसमें जो नई चीज़ थी सिर्फ मैंने वो कवर करी है, ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह मैं अपनी पुरानी गाड़ी में वो कवर कर चुका हूँ, तो आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, इसके बारे में अभी मैं इसका डिटेल रिव्यू और करूँगा, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस का पूरा वो डिटेल रिव्यू रहेगा, पूरा वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा रहेगा। और इसमें मैंने बहुत चीज़ें नई देखी हैं, ठीक है, पिकअप वगैरह तो बहुत अच्छा लगा है मुझे इसका। बाकी रेंज अब देखते हैं जब ऑन रोड ये गाड़ी चलेगी तो एक्चुअली में क्या रेंज आएगी। बाकी आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट गाड़ियाँ कौन सी चाहते हैं उस पर मैं रिव्यू करूँ। लगता है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसी हम गाड़ी नई नई लाते भी रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी गाड़ी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।